सादा पान मस्त रगड़ के मीठी बोल उस्ताद को खुशखबरी ना। कितना बार कहानी अरे ये रिंग टोन बदल जब धुन बजाला पता ना हमरा के का हो जाला। हाँ बोल का खुशखबरी उस्ताद। राव रास्ता के काटा रजवा करोड़पति बने बंबई जा रहा बा। हाँ खुशखबरी सालों ठीक कहीं नहीं उस्ताद। अरे खुशखबरी तब हो जब रजवा करोड़पति बन जा। तो नहीं हमार दोस्त बाड़ा की दुश्मन रे करोड़पति बनी। ख्याल रखिए राजा बाबू के जे रात दिन खाली अपना सपना में डूबल रहले आ अपना सपना के पूरा होके के सपना देखत रहे ले। वेंस ऑफ फ्लावर टायर टू डिडिंग अस रॉबिन द। चाचू जल्दी उठा। माई हमरा के सब मालूम बा की चाचू का सपना देखत हवन। कौन सपना रे चुनमुन तनी हमरो के तो बता। हाँ, बता बता। राजा बाबू आप जीत चुके 7 करोड़ रुपए तालिया। बड़बड़ घोड़ा दहिल जाए और गधा कहे कितना पानी। ससुरी जीते हाँ 7 करोड़। ए मुनिया अरे संभाल को बाबूजी। राजा उठ जा बाबूजी आ गए ले। ए भाई देखा ना 7 करोड़ जीत गए ने। 7 करोड़ 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 7 करोड़ जीत गए ने। तोहार 7 करोड़ तो बाढ़ में बह गए अब एक पौड़ के छान ले। अरे नालायक ना सपने में छानी भी नहीं पैसा गिनी। असल में तो चौनियों ना मिली करा। हे माई जहिया 7 करोड़ जीतब ना तो तू अब भौजी रबड़ बटोर के रख ला। दोनों जानी रुपया पर रबड़ चढ़ाई। हाँ बहुत बड़ा कमासू धो गए बड़ा। हाई पकड़ा ले 7,000 रुपया बा जाके बैंक में डाल दिए। अरे बाबूजी हम अपन वर्तमान सोचता नहीं और रहुआ हमार भविष्य सोचता नहीं। मतलब अरे भाई जब से खाता खोलने बानी ना 1 रुपया जमा नहीं किया भाई। अब जमा हुई हमारा खाता में 7,100 रुपया। अरे निकम्मा ये तो हरे खाता में ना ये हमारे खाता में जमा करे के। हाँ तो ठीक है सब चिल्लर पैसा थोड़े हमारे खाता में जमा हुई। एक बार जमा हुई 7 करोड़ 7 करोड़ 7 करोड़ 7 करोड़। चुप ले गई 7 करोड़। हवलदार साहब अबे हवलदार साहब टाइम का कहाँ बार बार टाइम पूछे तरह चैन से सुते भी नहीं खेते। सुता ही के तो पैसा लेता रहा लोग सुता। कहाँ जाले कहाँ से लोग। है भाई इतना टाइम। अबे चल यार ना जाएंगे। अबे चल जाएंगे। हाँ ठेलो मत। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल दूसरे कॉल पर। अबे गोधन ई तोर बाल बनावे वाला कैंची ना साइकिल है तनी लहे लहे पैडी मार। लहे लहे का चलाई बाबा जी के ठुल्लू आज बुधवार के दिन एक तो दुकान पर आज ग्राहक तक भीड़ लगल हुई और जो बेचारा वहाँ अकेले हमारे इंतजार करत हुई और ये काम तो तू अकेले भी कर सकत रहला। अबे अकेले कैसे करती बे साइकिल चला के अगर अकेले बैंक जाती तो मैं बनूंगा करोड़पति में फोन कैसे लगेती पागल। तो ये काम तो तू फुर्सतों में कर सकत रहला। अबे 24 घंटा 1440 मिनट 46,400 सेकंड में किस्मत कबो भी चमक सकेले। यही से खात पियत अगत मुतत हमेशा हम मैं बनूंगा करोड़पति में फोन लगावत रहिले। ससुरा कबले भी जी बताई कबो तो लागी कबो ना लागी। अरे हाँ भाई जिंदा बाड़े। हाँ भाई अरे गोधन साइकिल टूट गई रे। हाँ भाई अरे भाई रे भाई बाप रे बाप लौके के लाम ना चश्मे चाहिए। हाँ मार के तोड़ दे लू।
हमनी के तो टूट में गई जाओ, साइकिल भी टूट गई। चलो साइकिल बनाओ के पैसा निकाल। निकाला पैसा? हम तो पैसा घर ही भूल गई नी। अच्छा, धक्का मार के नहीं को बुला, अब पैसा लिया के भूल गई। तो उका कर जाला करे चेक चेक। हाँ चलो चेक दो। हाँ। चेक निकाला। पैसा देखे तो चेक कहाँ से हुई? अच्छा हा? पैसा नहीं के चेक नहीं के। गरीब लड़की भाई, थोड़ा ज्यादा यार। अबे मारब एक लपन न बाप के नाती। ए हर जाना तो भरे के बड़ी साइकिल बनावे के। हर जाना? हर जाना देबे खातिर हमरे पास एगो चीज बा। हाँ तो जल्दी दा। दे दा चुम्मा। चुम्मा? अरे पैसा का चीज यार, हाथ के बैल आ जा काल ना रही। ठीक है ये दे दा। नहीं नहीं हमरा के हमरा साइकिल हमार टूटल, चुम्मा तू लेबे। अच्छा चला मत, हम रहनी है, जान के खतरा तो हमारा रहना। यही से यही से मैडम, तू एकरा के ना चुम्मा हमरा के दा। सुनो तो दोनों झगड़ा मत करा, हमरे पास एगो और ऑफर बा, जैसे कि तू दोनों की चुम्मा मिल सके ला। दोनों के? अरे वाह, कैसे बता? तू लोगन के पास मोबाइल तो है देखो। हाँ ना, ठीक बा, एक के मोबाइल पे चुम्मा मिली और एक के डायरेक्ट। अच्छा अब तू दोनों डिसाइड कर ला के मोबाइल पे चुम्मा चाहिए के डायरेक्ट। हाँ लिखवा दे, लिखवा दे। हाँ हाँ ता हम तय कर लेनी। हाँ हाँ तू मोबाइल नंबर लिखा। हाँ हाँ लिखा। हाँ 7-7-2-2-14 1-7-14 1-7-14। अरे हमारा नंबर वगैरह लिखवा दे रहा। क्या है कि तू ले बा मोबाइल पर चुम्मा और हम ले डायरेक्ट। अरे बड़का चालू मने तारे। अच्छा डायरेक्ट चुम्मा ले बे। देख रहा है देख रहा है देख रहा है साइकिल साइकिल तो हम चलाते हैं। यही बताओ हमारा बीच में कहाँ घुसन जाता है? तू कहाँ है हमारा बीच में घुस जाला है? तोरा बीच में हम घुसी ले। अभी तो घुसला। अरे चल अरे अरे बाय बाय। टूट जाही खटिया का करब संगतिया। डर 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 गोदान चल तनी बार काट देता। बार काट दा? देखा राजा ऐसे काम ना चली भाई। अरे हम काम करे नी भाई, बाबू माने लंडा बिन पाई के। अभी पिछला उधारी 370 रुपए तू देला ना, अब फिर कहा तरह बार बनावे के, पहले पैसा था बस। अरे यार हम तो उधारी सब दे। अरे ना ना राजा बाबू, हमरा के गोली मत दा। अभी मत कहिया कि हम करोड़पति जीत के आई तो तू हर पूरा पैसा दे दे, पहले पैसा बस। अरे यार तू हमार दोस्त हवे ना, तू सब हम कुछ नहीं के जाना, पहले दाम ओकर बाद तो हर काम, बुझला? हाँ। ना बनवे ना ना बनवे ना ना ना। हाँ हाँ निकाला निकाला पैसा निकाला। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। ना बनी बे ना ना ना। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल दूसरी कॉल पर थोड़ी देर बाद डायल करें। राजा अरे गोदन तोरा के राजा के बार बना देवे के चाहिए यार। अरे भैया पैसा मिले तो सब कुछ बना दे। का मैडम, ओ दिन तो धोखा दे के भाग गए लू, लेकिन आज तो तोके हमरा के चुम्मा दे वही के पड़ी। तो हम कहा मना करे तानी, आबो ले लो चुम्मा। एका करा तारा, इतना सुंदर सुशील लड़की के भरे बाजार में चुम्मा ले बा। अगर हम तो के सुनसान जगह पे एको चुम्मा की जगह चार गो चुम्मा दे तो। अरे तब तो बहुत मजा आ जाए। तो चला चला गाड़ी में बैठ। चलो चलो। डार्लिंग गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं के हो। तनी अकेली बाहर जाके गाड़ी के धक्का देके अपन मर्दान के दिखावे ना। का ना देखा तू अकेला ठेल के चालू कर देता नी। बाय बाय डाली, नेक्स्ट टाइम चार गो चुम्मा ना, आठ गो चुम्मा ले ली हा। का भगवान सुनले बानी कि तू हर आदमी के मनोकामना जीवन में एक बार जरूर पूरा करेला। हमार करोड़पति बने के सपना तो पूरा कहला ना, कम से कम ऐसा वो चमचमा चीज हमारा झोली में डाल देता।
जीवन सफल हो जाए प्रभु। हेलो हेलो हुज देयर हेलो मे आई नो हुज कॉलिंग हेलो 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 नमस्कार मैं बनूंगा करोड़पति से मैं शीतल बोल रही हूँ मैं बनूंगा करोड़पति हेलो व्हाट्स योर गुड नेम गुद्दम गुद्दम ना हमको तो ना गोदन गोदन बोलता रीता भी जी राजा के दोस्त फ्रेंड फ्रेंड रुको 2 मिनट रुकी हम अभी राजा के फोन देता नहीं चलो चलो राजा 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 ही देखा फोन करोड़पति में लाग गई बा मजाक नहीं कर भगवान की कसम भाई साचो में हेलो नमस्कार मैं बनूंगा करोड़पति से मैं शीतल बोल रही हूँ बोली 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 मैं आपसे एक सवाल करूंगी जिसका उत्तर देने के लिए आपको सिर्फ 30 सेकंड्स दिए जाएंगे क्या आप उत्तर देने के लिए तैयार हैं हम एकदम तैयार हैं पूछिए 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 ठीक है अरे यार फोन लगे करोड़पति में अरे जल्दी पूछिए आपका सवाल है ऐसी कौन सी मछली है जिसका वजन 10 हाथियों के बराबर होता है आपके ऑप्शंस हैं ए शार्क बी व्हेल सी रोहू डी स्टार एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ का भाई अरे अरे आपका जवाब बिल्कुल सही है क्या मतलब अब चयन हो गई नहीं मिस्टर राजा अभी नहीं ये चयन की पहली प्रक्रिया थी दूसरी प्रक्रिया में सही जवाब देने वाले लाखों प्रतियोगियों में से 10 भाग्यशाली प्रतियोगियों का चयन होगा अच्छा 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 अगर आपका नाम उन 10 भाग्यशाली प्रतियोगियों में शामिल होगा तो आपको बहुत जल्द सूचित कर दिया जाएगा अच्छा अब आप अपना मोबाइल नंबर और पूरा पता लिखवाइए हाँ लिखिए राजकुमार उर्फ राजा बाबू ग्राम तड़वा पोस्ट बसेवा जिला गाजीपुर अब पिन नंबर 27-5205 हाँ तो मिस्टर राजा आपका मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज हो चुका है अगर इसके अलावा और कोई भी नंबर है तो आप बता दीजिए हाँ लिखिए 97-0 सूत के 98-0 ऊंट के मतलब अब मतलब 97-087-98-088 जी धन्यवाद मिस्टर राजकुमार जी एक बात बताई देवी जी क्या आपके आवाज बहुत मीठ बा बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर राजकुमार जी मैं बनूंगा करोड़पति की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका भविष्य उज्जवल हो ओके बाय थैंक यू पगला गल बड़े काहे डमरू अब तो अपन मुकरिया कले काहे कि राजा के फोन करोड़पति में लाग गइल बा अरे बाप ना मारे चिरई और बेटा तीरंदाज ए भक्चोनर करोड़पति का खेल कौनो गाजर मुरई ना ओइ जा प्यारे बड़े बड़े 30 मार खा के भी ना हवा निकल जाले देखा बे करोड़पति में तो तोर बाप भी ना पहुंच सकेले हाँ? बाप के नाम कैसे ले रहे जल्दी से बाबूजी को बोलो बाबूजी डमरू अभी कम नहीं के चुप पागल का रे डमरू दिन पर दिन तोहरा गुंडागर्दी बढ़ते जा रहा हलवा ए चाचा हमार गलती ना हुआ तो जोन पागल लड़का चुप चल तो यहां से चला ना चला डमरू चल हम कुछ हुआ सुने के नहीं खींचा हद राजा
ब्याह तो तोरा करही के पड़ी आ जबले तोहर ब्याह ना होकी तबले तोरा लून तेल के भाव के पते ना चली ना कर भैया। अरे कहे ना करबे ना करब तो ना कर। अरे का जिंदगी भर भाड़ बनल रहबे कहे ना करबे ब्याह। पहले हम साथ करो जीता ओकर बाद ब्याह कर। हाय देखा बर बर बाद बा बकरी भहरात बाद अंधिया में तेल ना अब बाती भहरात बा। अरे करोड़पति जीते खातिर दिमाग चाहिए उतना बढ़ते नहीं थे। पांचवी फेल करोड़पति जीती है बाबूजी। हाँ। अपने देश में अंगूठा छाप लोग बड़का बड़का काम कर ले बा। हम तो वो लोग सब पांच करास आगे बानी देख लिया। 7 करोड़ जीतबो करब और हम इतिहास बनाई। अरे तो का इतिहास रचे वाला ब्याह न करेला तोरा ब्याह कर ही के पड़ी। अरे बाबूजी आज एक करोड़पति में फोन लागला वो लोग के सवाल के सही सही जवाब देनी है और माई करोड़पतिया देवी काली है कि वो लोग जल्दी हमके मुंबई बुलाई। कब ले बुलाई? अब 1 महीना के भीतर। अगर 1 महीने के भीतर खबर ना आई तब हाँ तो ओकरे बाद जो तू लोग कहबा हम कर ले। तो ठीक बा तू बचल ना कि तू ब्याह करबा। हाँ ठीक बा हम ब्याह कर ले ना बेटा तू अपने माई के सिर पे हाथ रख के बचल ना कि तू ब्याह करबा। वचन दे के फंस जाई तब ए में फंसे के कवन बात बा राजा। अरे तोहरा के विश्वास वाना की तोहरा के फोन आई। अरे हाँ भैया जरूर फोन आई। हाँ। देवर जी वैसे आपके भरोसा भी बा कि आप 7 करोड़ जीत जाए। हाँ बहुजी तू देखिए हम 7 करोड़ जीता। तो फिर वचन देवे से काहे घबराहट वाला चाचू। अब हम घबराहट नहीं की दे दी वचन भैया। अच्छा ठीक बा अब अगर 6 महीना के भीतर हाँ वो अगर 1 महीना के अंदर फोन ना आयल तो तू लोग जहाँ कब हम ब्याह कर ले। तो ठीक बा जा बेटा तू करोड़पति जीते के तैयारी कर हमनी के तोरे ब्याह के तैयारी कर। तुलसी मैया पार लगाओ नैया तुलसी मैया पार लगाओ नैया तुलसी मैया जल्दी पार लगाओ नैया तुलसी मैया पार लगाओ नैया तुलसी मैया पार लगाओ नैया तुलसी मैया पार लगाओ। चुन्नू के पापा यहाँ ना जल्दी से अब है देखिए तो बाबा जी क्या करते हैं। महाराज जय मोबाइल महाराज जय मोबाइल महाराज। हे तुलसी मैया हम अपना बाबू जी के चक्रव्यूह में फंस गई बानी और अगर 1 महीना के भीतर करोड़पतिया देवी के फोन ना आईल तो हम अपन झूठ टरकावे वाला बात में खुदे फंस जाए और इस सुंदर सुशील लड़का के गोबर पोते वाली लड़की के साथ पूरा जीवन बितावे के पड़ी जोन हम बिल्कुल लड़की चाहत। तुलसी भैया पार लगावा हमार नैया अब तो बस तोरे भरोसा बा माई हमार मिला सोके से बचा ला प्लीज। हाँ करोड़पतिया देवी फ्राइडे सैटरडे आ गा हमरा के जोर से लगल बा। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल बिल्कुल सही जवाब। किस्मत फूट जाए अरे अब ना बजबा तो कब बजबा। ओए चाचू अभी फोन नहीं बाजी अब तो सिर्फ सेनाई बाजी सेनाई थोड़े भी आके।
चला मैं अपने बेटे के लेके बड़ा लो चला मैं। करेंगे राजा राजा हाय देखा करोड़पति से फोन आ गया। देख मजाक मत कर भाग यहां से। अरे अरे हम मजाक नहीं के करे भाई, सही में करोड़पति से फोन आ गेल बा। ए कोधरा दिनौदी धैले बा, अभी विधि विधान के समय बा आ तोरा हंसी ठिठोली सूझ रहल बा, चल जो यहां से। बाबूजी माफ करी राजा, हम के हमार दोस्ती के कसम भाई, हम सही कहा था नहीं। एक मिनट अभी स्पीकर चालू करता नहीं, तू बात करा। ये मैडम इले राजा बाबू से बात करा। ओके हेलो मिस्टर राजकुमार। हेलो करोड़पति आले भी नमस्ते। नमस्ते। अब राजकुमार बोला था नहीं, राजा बाबू। बधाई हो राजकुमार जी, हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं बनूंगा करोड़पति के 10 भाग्यशाली प्रतियोगियों में आपका चयन हो चुका है। का? हम चुना गए जी? जी हाँ बिल्कुल। सचो में राजकुमार जी, आपको इसी महीने की 15 तारीख को मुंबई पहुँचना होगा। 15 तारीख क्या? आज 13 तारीख मतलब परसों पहुँचेगी पड़ी। इस बार हमारे शो मैं बनूंगा करोड़पति का सीधा प्रसारण 15 तारीख से शुरू होने जा रहा है। सीधा प्रसारण होके जाता? जी हाँ बिल्कुल। मैं इसी नंबर पर आपको हमारे मुंबई ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस एसएमएस कर रही हूँ। राजकुमार जी हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परसों पहुँचे के बाद देखा राजा, तब तो तोहरा के हाथ अभी निकले को पड़ी यार। बाबूजी, बाबूजी शरत के अनुसार आपके मर्जी से हम बिया कर लेनी ना, अब हमारा करोड़पति खेले जाए थी बाबूजी, बाबूजी हमारा सपना पूरा हो जाए। देख राजा, अरे करोड़पति एगो खेला, बाकी ब्याह खेल नहीं खेल। एक बात मालूम बा, अरे कितना अरमान लेके ये लड़की आज हमरा घर में कदम रखला सा। आ तू कहत अरे के हमरा के जायदा कब बोला जायते, जब ले ये ब्याहे के पूरा विधि विधान पूरा ना हो जाए तब ले तू कहीं ना जाइबे कहू ना। वाह बहु वाह, तोहरे बात सुन के हमार जिया जुड़ा गेल। तू ठीक है कहत बड़ बहू कि तकदीर एक ही बार दरवाजा खटखटावेला, बार बार ना। जो राजा जाए के तैयारी करा। बाबूजी हमू चल जाई का राजा के साथे, हमरो बड़ा मन हा मुंबई देखे के। हाँ बाबूजी गोदला के भी जाए था, वैसा हूँ एक से भला दू, रही तो बहुत बढ़िया रही। जो चल चला चला राजा, बम्बई जाए के तो हम तोरा के इजाजत दे देनी, अगर हमरे इज्जत और मान सम्मान पर कोनो आँच आइल तो हमरा से बुरा कोई ना हुई। कितना टाइम लगा होता है यार। चला चला आगे बढ़ा, बढ़िया से लगाओ। सादा पान मस्त रगड़ के मीठी चल। पुस्ताद पुस्ताद पहले बताओ, पहले पहले बताओ, चुप बोल। उस्ताद को खुशखबरी ना, कितना बार कहानी है रे, ये रिंग टोन बदल, जब भी धुन बजाला पता ना हमरा के का हो जाला। हाँ बोल का खुशखबरी उस्ताद। राव रास्ता के काटा रजवा करोड़पति बने बंबई जा रहा बा। खुशखबरी उस्ताद, अरे खुशखबरी तब होत
जब रजवा करोड़पति बन जा। तानी हमार दोस्त बाड़ा की दुश्मन रे करोड़पति बनी। अपन ख्याल रखिया, टाइम से खाइया पिया ना। रजवा कर, अरे इतना इधर आवत है। पाल लगाओ, हाँ डबरुआ। तू पाल लगाओ, मुका देखत हुए। आवत मैं देखी ना। अरे मानर रहा है, हमाऊ देखत। अरे कंचा पड़ा, देख ले। जा तानी मुंबई करोड़पति खेले। ए डर फुरफुरो मत। जब करोड़पति वाला सवाल पूछी है ना, तो कुल हेकड़ी पानी के बुलबुला नियन फूट जाई। अरे फूटी ना, जूटी। वो 7 करोड़। फोन पे को सवाल के जवाब का दे दे, ते अपने आप के रोहित शर्मा बुझा तारे कार है, जवान एक दिन में 264 रन मार ले रहा है। अरे 7 करोड़ ना, 7 × 12 ना उखाड़। ना बाबूजी रुका, अजीत गए नितब रे तो जूता के माला उस्ताद के पहना दिया। हाँ का बोला था, क्या कहने रे, पहले ही जीता है। अरे उस्ताद जी साथ चलो ना जीत पाई। तब ठीक, अगर ते हार गई ले तो जूता का माला तोड़ा के हम पहराई। अच्छा तो जूता का माला पहने खातिर तैयार रहिए। अरे तैयार रहिए, जूता का माला पहने खातिर। क्या तो जूता का माला पहनाई, जूता का माला पहनाई, करोड़पति बनी है। अरे अरे ना ना चिंता मत कर, पालन पालन ठीक है, तुम लोग चिंता मत कर, ठीक से जइया। अब बेटा ख्याल रखिया, अजीत के आइया। हाँ अजीत के, अजीत के। What is this? Shooting time is on. Already Ravi sir is there. Where is your 2 contestants? Sir, Rajkumar ji आ गए हैं। Dolly, लीजिए, Miss Dolly भी आ गई। Welcome, welcome, Miss Dolly. Hi, I'm Dolly Singh. Hello. मोना और यह है एपी मिस्टर प्रेम गुलाथी। ऑनर टू मीट यू मिस जॉली। एंड ही इज माय ब्रदर लकी। एंड ही इज माय फ्रेंड जैकी। नाइस टू मीट यू। और अब राजकुमार, राजा बाबू, हम हो या करोड़पति खेले अलबानी। गुड 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 गुड। मिस जॉली जी, यस, आपके 9 कंपटीटर में से एक मिस्टर राजकुमार। ओके राजा बाबू। इट्स ओके बहना, इट्स ओके। You idiot! Are you out of your mind? Dehati gawar! Yes! What is Jolly, happening? Excuse me, ma'am. Please cool down. Come, come, please. Hey, you two! Come fast! Dolly! I don't know from where these people come. ये बनेगा करोड़पति। फास्टेस्ट फिंगर फास्ट में फंसेगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, आदाब और सादर अभिनंदन आप सभी का। मैं रवि किशन इस अद्भुत लाइव शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए शुरू करता हूं सबसे बड़ा सम्मान। मैं बनूंगा करोड़पति। और ये रहे हमारे 10 जुनूनी भाग्यशाली खिलाड़ी। हाय, आई एम मेहुल फ्रॉम दिल्ली। गौरव शर्मा मथुरा से। हाय, मायसेल्फ डॉली सिंह, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई एम अ मॉडल। टुडेज विनर इज मी। नमस्कार, हमारा नाम राजकुमार उर्फ राजा बाबू है। हम ग्राम टड़वा पोस्ट बसेवा जिला गाजीपुर से अलबानी। टीवी में दिखाता आना नहीं, हमो की दिखाता। हम काम तो कुछ ना करी ले, हाँ सपना बहुत देखी। तो देवी और सज्जनों, इनमें से कोई एक
मेरे साथ हॉट सीट पर बैठेंगे जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के सवाल का जवाब सबसे पहले सही देंगे। तो इस दौर के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। पता लिखने के अनुसार इन स्थानों को बढ़ते क्रम में सजाएं और आपके ऑप्शंस ये रहे, ए तहसील, बी पोस्ट, सी जिला, डी ग्राम। समय समाप्त होता है, देखते हैं सही क्रम क्या है। डी ग्राम, फिर बी पोस्ट, उसके बाद ए तहसील और अंत में सी जिला। वाह, सभी प्रतियोगियों ने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे तेज जवाब दिया है डॉली श्रीमान राजकुमार जी ने। स्वागत उस्ताद, फर्स्ट सीट पे बैठना मतलब थोड़ा ही साफ और जीत चाहिए। अरे खाली तो देवी और सज्जनों, आज हमारे सामने गरम आसन पर विराजमान है टणवा गाजीपुर उत्तर प्रदेश के 28 वर्षीय श्रीमान राजकुमार जी। उर्फ राजा बाबू। राजा बाबू स्वागत है आपका। तो राजा बाबू चलिए आपको इस खेल का नियम बता देते हैं। मत बताए भैया, हमके कुल मालूम बा। ओके, तो राजा बाबू आइए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल का, जिसका नाम है मैं बनूंगा करोड़पति। तो राजा बाबू लेट्स प्ले। 10,000 रुपए के लिए पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इस लोकाक्ति को पूरा करें, सिर मुड़ाते ही खालिस्तान गिरना। और आपके ऑप्शंस हैं ए बाल, बी उस्तरा, सी ओले, डी नाई। राजा बाबू क्या हुआ भैया, हम गोदना से पूछ सकी लगा? जी नहीं, इसके लिए आपको लाइफलाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ठीक बात कर दी। टिक टिक महाराज, शांत हो जाइए। तो राजा बाबू बताइए, आप कौन सी लाइफलाइन लेना चाहते हैं? पहला वाला। ओके, तो देवी और सज्जनों, आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय है और आपका समय शुरू होता है अब। ओके, तो जो ऑडियंस का वोट है उस हिसाब से सबसे ज्यादा सी ओले को 77%, ए को 6%, बी को 6%, डी को 11% मिले। तो राजा बाबू बताइए, क्या आप ऑडियंस पोल के साथ जाना चाहेंगे या? हाँ, ऑडियंस के साथ। हाँ। तो कंप्यूटर महाशय, सी ओले को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। Well played, audience. Very well played. Very well. Thank you. तो राजा बाबू आप 10,000 रुपए जीत चुके हैं और साथ ही आपकी एक लाइफलाइन खत्म भी हो चुकी है। तो आप सोच समझ कर खेलिएगा बाबू। जी भैया। अब आपके सामने आ रहा दूसरा प्रश्न 40,000 रुपए के लिए, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर बताइए कि यह आवाज किस बॉलीवुड अभिनेता की है। कंप्यूटर जी प्लीज प्ले द ऑडियो क्लिप। ओ साहब, कोई अपनी इज्जत पर हाथ डाले मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई शक? ओके, आपने ऑडियो क्लिप ध्यान से सुना है, अब ऑप्शन सुन लीजिए। ए मनोज बाजपेयी, बी राज बब्बर, सी मिथुन चक्रवर्ती और डी अमिताभ बच्चन। मिथुन जी का आवाज रहा है। आर यू श्योर? हाँ, लाग कदी लाग कदी। ओके, कंप्यूटर महाशय, सी मिथुन चक्रवर्ती को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। मिथुन चक्रवर्ती बिल्कुल सही जवाब। आप 40,000 रुपया जीत चुके हैं राजा बाबू। राजा बाबू अब आपके सामने आ रहा है तीसरा प्रश्न जो आपको देगा 1,60,000 रुपए। तो 1,60,000 रुपए के लिए तीसरा प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर।
इनमें से कौन से देश में सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है? और आपके ऑप्शन? अपने देश भारत में। अरे राजा बाबू, मुझे अपने ऑप्शन तो देने दीजिए। अच्छा ठीक बा। ऑप्शन ए भूटान, बी लिबिया, सी जापान और डी मॉरिशस। लागत अमर जवाब सुन के कंप्यूटर महाराज ऑप्शन में बदल दे। लेकिन कोनो बात ना, एहू में हमको पता सही जवाब मॉरिशस। श्योर है? हाँ एकदम, कर दे कर दे। तो कंप्यूटर महाशय टी मॉरिशस लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, आप जीत चुके हैं 1,60,000 रुपए। तो राजकुमार जी, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपको देगा 6,40,000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर सन 1965 हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में हिंदुस्तान के किस वीर सिपाही ने पैटर्न 7 टैंक्स उड़ाए थे? और आपके ऑप्शन है राजा बाबू, ए संग्राम सिंह, बी अब्दुल हमीद, सी वीर बहादुर सिंह या डी फारुख अंसारी। वीर अब्दुल हमीद पे लगा दी। Are you sure? हाँ। ओके कंप्यूटर महाशय, बी अब्दुल हमीद पर ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब, वेल प्लेड, वेल प्लेड राजा। बहुत बढ़िया राजा, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे आपको ये? हाँ अरे उनके पता गाना बना ला। अरे खुनावा के होली खेल ले, भूली गई ले ईद के, 65 के क्रांति नामे अब्दुल हमीद के, 65 के क्रांति नामे। टीवी बंद कर रे, बंद कर टीवी रे। और वो आपके सामने आ रहा है पांचवा प्रश्न, जो आपको देगा राजा बाबू, अब आपके सामने आ रहा है दसवां प्रश्न, जो आपको देगा 50,00,000 रुपए। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऐसी कौन सी सेवा उपलब्ध है जो बैंक बंद होने के बाद भी कहीं भी किधर भी पैसे भेज सकते हैं, वो भी बिल्कुल सुरक्षित? और आपके ऑप्शंस है राजा बाबू, ए दोस्त द्वारा, बी मनी ऑर्डर द्वारा, सी हवाई जहाज द्वारा या डी वोडाफोन एम पैसे द्वारा। हाँ भैया इता वोडाफोन एम पैसा। हमारे गांव का जितना लोग बाहर कमाए गए शहर में, सब लोग वोडाफोन एम पैसा से पैसा भेजे लगावे। हाँ इस सर्विस से सब लोग बहुत खुश बा, कहे कि पैसा भेजे का ये बहुत सरल तरीका। तो लॉक कर दिया जाए? हाँ हाँ लॉक कर दी, लॉक कर दी। ओके तो कंप्यूटर महाशय डी वोडाफोन एम पैसे को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, आप जीत चुके हैं 50,00,000 रुपए। बहना चिंता मत करो बहना, ये ना पानी का बुलबुला है बहना, पानी का बुलबुला, ये बहुत जल्दी आएगा, तुम्हारा नंबर लगेगा बहना। हाँ। 50,00,000 रुपए का ये चेक आपके नाम। तो समझे, 1-2-3 घर वालों का नंबर डालो, क्रम डालो, सीक्रेट पिन डालकर सेंड दबाओ। सही में एकदम अद्भुत सर्विस। आप चाहे तो घर जा सकते हैं, चाहे तो आप अगला पड़ाव खेल सकते हैं। हम जोड़े खातिर आयल बानी खेलो। ओके जिला जवार के नाम रोशन करके आवा भाई। अब आपके सामने आ रहा है 11वां प्रश्न, वो भी 1,00,000,000 रुपए के लिए। 1,00,000,000 रुपए के लिए ये रहा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 26 जनवरी 2015 को किस देश के राष्ट्रपति भारत आए थे? और आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी चाइना, सी पाकिस्तान या डी जापान। क्या हुआ राजा बाबू, इस तरह सर पर हाथ क्यों रख दिए?
अरे भैया 26 जनवरी के झंडा रोड हम देखे वाला रानी टीवी पर, बाकी गोदना की वजह से ना देख पाऊंगी। क्या हुआ था? सवेरे सवेरे ही हमके लेके चल गल नदीप अपने गर्लफ्रेंड से मिला हुए। अरे गोदना रुक, आज हम तुम्हें बताओ। राजा बाबू क्या कर रही है, शो लाइव। एक मिनट, आप यहाँ से चलिए, जाइए यहाँ से। राजा बाबू ये शो लाइव चल रहा है, आपके इस अभद्र व्यवहार के कारण आपको इस शो से हम निकाल सकते हैं। ऐसी कोई बदतमीजी नहीं होगी, ओके? बैठिए आप। राजा बाबू आपको भूलना नहीं चाहिए कि आप लाइव शो पर हैं। हम क्षमा चाहता नहीं भैया, हमारा से गलती होगी। राजा बाबू आइंदा ध्यान रहे। तो बताइए क्या करना चाहेंगे आप, आपके पास अभी भी एक लाइफ लाइन बची हुई है। राजा बाबू लाइफलाइन, फोन अ फ्रेंड। हम फोन पे बात करब अपना बाबूजी से। ओके, कंप्यूटर महाशय, राजा बाबू के पिताजी को फोन लगाया जाए गाजीपुर। हेलो बालाजी, बाबूजी हम, मैं बनूंगा करोड़पति से बोला था रवि किशन। हाँ रवि किशन जी, खुश रही बाबू। मैं बनूंगा करोड़पति से आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ अच्छा, तो बाबूजी जैसे जनता हो बाकी आपका लेकर राजा बाबू हर। मैं बनूंगा करोड़पति में खेलत बाड़न और बहुत बढ़िया खेलत हैं, 50 लाख रुपया तक जीत चुकल बाड़न। अब उनके सामने जौन सवाल आयल बाटे वो 1 करोड़ का बा, और हमके पूरा यकीन बाटे कि आप उनके 1 करोड़ के सवाल में मदद करबा। तो बड़ा ध्यान से सुनिया उनकर सवाल। आपके पास मात्र 30 सेकंड का समय बचल बाटे, तो अगली आवाज राजा बाबू की बोला हो। हाँ बाबूजी पा लगी। अरे खुश रहो बचवा, खुश रहो। अरे रुका, खाना वाला खेला कि ना? अरे माई अब जल्दी से बाबूजी को फोन दे, समय कम है। हाँ बोला राजा। हाँ बाबूजी। हाँ बेटा। 26 जनवरी 2015 के कौन देश के राष्ट्रपति भारत आए लाले? ए अमेरिका, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी जापान। 26 जनवरी के ये राजा, ये राजा। हेलो ये राजा। हेलो बाबूजी, हेलो हेलो बाबूजी, बाबूजी हेलो। खाना खैला कि ना खैला? ऊपर से भूख लागल बा कि ना? कट गई लू। तो आप क्या करना चाहेंगे राजा बाबू? एक गलत जवाब आपके सपनों को तार तार कर देगा। ए राजा, ए ए पे लगा दे। बाबूजी कहले हैं ए ए ए पे लगा दे। लेकिन राजा बाबू हमको लग रहा था कि आपके बाबूजी कुछ और कहना चाह रहे थे। ना ना बाबूजी कर ले ये। आर यू श्योर? हाँ लगा दे। ना राजा, ना राजा भैया, अरे मालिक है ना बोलिए। तो कंप्यूटर महाशय, ए अमेरिका को ताला लगाया जाए। राजा बाबू आपने ये क्या कर दिया? काबिल भैया आपका जवाब बिल्कुल गलत नहीं है। आप 1 करोड़ का जीत चुके हैं राजा बाबू। राजा बाबू 12वें प्रश्न पर हम पहुंचे उससे पहले मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं आपसे। जी भैया। आप खेल में रुचि रखते हैं? हाँ भैया, गुल्ली डंडा में मास्टर हैं। इसके अलावा और किस खेल में रुचि है आपकी? बहुत खेल खेली ला भैया हम, ओला पाती, कबड्डी, आइस बाइस, सरपट, छुपा छुपाई, यो सब खेली ला। क्रिकेट, बैटिंग, बॉल के खेल के बारे में कुछ जानकारी है? क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा तो ना जानी ला। हाँ बस इतना जानी ला कि एक आदमी बॉल फेंकेला और एक बैट से मारी घुमा के चौका छक्का। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो राजा बाबू अगला 12वां प्रश्न आपको देगा 3 करोड़ रुपए। तो 3 करोड़ रुपए के लिए 12वां प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाँ तो राजा बाबू, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर कितना है? और आपके ऑप्शंस है राजा बाबू, ए 262 रन, बी 264 रन, सी 266 रन या डी 268 रन। का भैया, हम कहनी है कि क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानकारी ना, तो क्रिकेट के बारे में पूछ देनी। ये सवाल बदल दी भैया। बदल दी ना भैया प्लीज। अरे वो गिल्ली डंडा से ज्यादा कुछ खेल में ना खेला, क्रिकेट का जवाब कहाँ से दी? देखिए राजा बाबू,
सवाल मैं नहीं, सवाल कंप्यूटर महाशय करते हैं, इसीलिए क्षमा चाहते हैं। सवाल बदल नहीं सकता। का कंप्यूटर महाशय, हमरा से कोनो दुश्मनी बा का? देखिए राजा बाबू, कंप्यूटर महाशय की ना किसी से दोस्ती है ना दुश्मनी, और वैसे भी आप जैसे खुश दिल खुश मिजाज इंसान के साथ किसी की कैसे दुश्मनी हो सकती है, बताइए। ई बात ना भैया, हमरो एगो दुश्मन है डमरुआ, हम आवत रहनी खेले तो कहलस कि तू 7 करोड़ तक, 7 गो बार भी ना जीत पा। 7 करोड़? फोन पे को सवाल के जवाब का दे देले ते अपने आप के रोहित शर्मा बुझाता रे का रे, जवन एक दिन में 264 रन बनले रहे। अरे 7 करोड़ ना, 7 गो 12 ना उखाड़ पाइबे है भैया, 264 पर लगा दी। फाइनल आंसर राजा बाबू? हाँ हाँ, एकदम फाइनल। कंप्यूटर महाशय, बी 264 को लॉक किया जाए। राजा बाबू, क्या हो गया आपको? आप इतना बढ़िया खेल रहे थे और इतना बढ़िया खेलते हुए आप यहां तक पहुंचे हैं। आपका जवाब राजा बाबू बिल्कुल सही है। अरे 3 करोड़ रुपया राजा बाबू, जो मैं साइन कर चुका हूं, और ये चेक 3 करोड़ रुपए आपके हो चुके हैं। लीजिए, बधाई हो। भाई राजा बाबू, मैं चाहता हूं कि ये चेक मैं अपने पास सुरक्षित रखूं। हाँ। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि कैसे? क्रिकेट के बारे में तो आपको जानकारी नहीं। वो हमारे को दुश्मन है डमरुआ। जब हम आवत रही तो कालस की तू बड़का बैल हुआ। एक प्रश्न के उत्तर दे देला तो तू रोहित शर्मा हो गईला। एक के दिन में 264 मार के रिकॉर्ड बना देबा। हमार दुश्मन हमके बता देले रहे कर जवाब। इसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रेजेंस ऑफ माइंड। अरे हमारी वजह से जीत गया इतना पैसा। राजा बाबू, अब आपके सामने आ रहा है 13वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न। 7 करोड़ रुपए के लिए ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जा रही है? और आपके ऑप्शंस हैं राजा बाबू, ए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बी सेटन हॉल यूनिवर्सिटी, सी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और डी कोलंबिया यूनिवर्सिटी। सच तो बात ही बाकी एक जवाब हमके पता नहीं के। राजा बाबू, जैसा कि आपको पता है कि अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची हुई, और आप 7 करोड़ रुपया जीतना भी चाहते हैं, एक शुभचिंतक होने के नाते मैं बस इतना ही कहूंगा कि 3 करोड़ रुपए की रकम भी बहुत बड़ी रकम होती है। वो रकम भी आपकी जिंदगी को बदल सकती है राजा बाबू। तो प्लीज सोच विचार कर कोई भी निर्णय लीजिए या जवाब दीजिएगा। चाहिए 7 करोड़ जीतब ना तो तू और भौजी रबड़ बटोर के रख ला, दोनों जानी रुपया पर रबड़ चढ़ाइया। अरे करोड़पति जीते खातिर दिमाग चाहिए, उतना बढ़ते नहीं खे। 5वीं फेल देख लिया, 7 करोड़ जीतबो करब और हमहू इतिहास बनाई। जब करोड़पति वाला सवाल पूछे है ना तो कुल हेकड़ी पानी के बुलबुला नियन फूट जाई। अगर ते हार गईले तो जूता का माला तोड़ा के हम पहनाई। भैया, ये 4 घोंगुरी में से 1 घोंगुरी पकड़ ले। What? बस 1 घोंगुरी पकड़ी। कोई भी खेल जज्बात की रौ में आकर नहीं खेला जाता। खेल खेलने के लिए योग्यता, बुद्धि और ठंडे दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी जीत हासिल होती है। भैया, जब हम अपने गांव से चलल रहे तो हमारे साथ हमारे सपना के सिवा और कुछ ना रहे। सपना हर हाल में हकीकत होके के चाहल। 7 करोड़ जीतल तब बहुत दूर के बाद हमारा औकात मंच तक आवे के भी ना रहे कि 3 करोड़ के रकम बहुत बड़ होला, और अगर हम चाहे तब 3 करोड़ लेके यहां से जा सकता नहीं। लेकिन ना,
हम मैदान छोड़ के भागे खातिर नहीं आए, हम जीते खातिर आए बानी, 7 करोड़ जीते खातिर, और हम भागम ना, हम खेलब भैया। ओके राजा बाबू, मैं दिल से दुआ करूंगा कि आप यहां से जीत के जाए राजा बाबू। लाइए बड़ा ही अपना हाथ। पे लगा दी भैया। आप श्योर? जी। कंप्यूटर महाशय, बी सैटन हॉल यूनिवर्सिटी पर ताला लगाया जाए। राजा बाबू, मैंने आपसे कहा था ना मैंने आपसे कि 3 करोड़ रुपया लेके आप इस गेम से क्विट कर जाइए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने मेरी बात ना मानकर बहुत अच्छा किया। आप जीत चुके हैं। मुबारक हो। बहना रुको तो सही। अब रुक के क्या करूं? उस चाहिल गवार को जाके बधाई दूं? कंग्रेचुलेशंस मिस्टर राजा बाबू। कंट्रोल बहना, कंट्रोल। गुस्से में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए दिमाग का काम करना बहुत जरूरी है बहना। क्या फायदा, अब तो खेल खत्म पैसा हजम। नहीं बहना, खेल खत्म नहीं हुआ है बहना, अभी तो खेल शुरू हुआ है बहना, अगर तुम चाहो तो। मैं समझी नहीं। उस देहाती गंवार को अपने प्यार के जाल में फंसाओ और उसके 7 करोड़ को अपना बनाओ। थैंक यू यार। आपकी नजरें हमारी बहन को ढूंढ रही हैं क्या? ना, लेकिन वो इसे बाड़ी कहाँ? वॉच, तुहार बहन कहाँ बाड़ी? मेरी सिस्टर आज बहुत अपसेट है, उसकी आंखों में आज मैंने पहली बार आंसू देखे। कहे? वो इस बात से बहुत दुखी है कि आप जैसे टैलेंटेड, होनहार, सच्चे, ईमानदार व्यक्ति को जलील कर दिया। बहुत दुखी है वो, बहुत दुखी है, मुझे भी रोना आ रहा है। ए भाई, अब रो मत, तू देखा रो मत ना, तब तेरे बहन के दुख देख के हम और रो लगा। हमार नाम राजा बाबू है और हम केहू के दुख ना देख सकीले। हाँ बा, कहाँ बाड़ी हूँ? चलिए चलिए, आपको मिलवाते हैं। चलिए 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 चलिए। डॉली, बहना बहना देखो तो सही, कौन मिलने आया है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजा बाबू, मैंने आप जैसे सच्चे इंसान का दिल दुखाया है।
अगर हमारे इज्जत और मान सम्मान पर कोनो आंच आइल तो हमरा से बुरा कोई न होई। इसका मतलब आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? ना 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 वो बात नहीं है। अरे हम कोनो बात के बुरा मन में न करी ले। क्यों भला गया चाहे बुरा। वेरी गुड। हम मन में ना रखी ले। हम यहाँ दू को सपना लेके आई रानी। ओके। एक करोड़पति बने के। यस। वो तो हम बन गए नी। यस। और दूसर। और दूसरा क्या? डॉली। हम के शर्म लगा था बतावे में। राजा बाबू आप शर्माइए मत। आप 7 करोड़ रुपया जीते हैं। खुल कर बताइए वो जीत की खुशी में क्या कहते हैं बहना? We want some party! Dolly, ah, खोले के बाद अरे राजा तू तो करोड़पति बन गया। Dolly, boy, yes. I love you. Do whatever you can do. Thank you. Okay. Ah, Dolly. Dolly ji, jaan le bhuka ho. Ah, hum chaat nahi ki jaan ki hamre siwa koi beimani tohar power house chule to dekhe ke dilwa dali ji love you bole you sapat sapat ya dost bana ka bola tara aap raja babu ban le मतलब हम करोड़पति बने हैं। ओके बुझला। ओके अब एक मिनट फोन आवा था। हाँ तरी चुप रहा। ओके कौन है बाबूजी? बाबूजी बाबूजी तो डूब गए। डाली जी क्या कर रहे हो राजा? छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ी भैया तो सटल रही। राजा जिस आग में तुम मुझे जलाना चाहते हो वो हमारे दामन को दागदार बना देगा। अरे भैया मैं कसी करूं। राजा बाबू आप हमार विश्वास करी हम जानबूझ के कुछ नहीं की कहले। अरे यार गोदन तू इस महीने साहब के समझाओ ना कि हम बलात्कारी नहीं किए। यार हर बलात्कारी बलात्कार करने के बाद यही बोलता है। हम कुछ नहीं की कहले। तो क्या ये सब तुम्हारे भूत ने किया है? कानून में बलात्कार करने की सजा जानते हो? धारा 374 धारा 376 और धारा 355 354 354 और इंडियन पिनल कोड के तहत उम्र कैद की सजा। और सुनिए हमने चैनल वालों को बुलाया है, अखबार वालों को भी बुलाया है। कल अखबार की सुर्खियों में छप जाएगा कि मैं बनूंगा करोड़पति का राजा, मेरी बहन का बलात्कार ही निकला।
इंस्पेक्टर साहब, एगो विनती करी, कोई बीच के रास्ता ले दे के ना निकल सकेला। इंस्पेक्टर साहब, हमके बचा ले। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। का? मेरी बहन डॉली से शादी करनी होगी। हाँ। एक मिनट तनी उठा, हाँ? उठा। एक मिनट, अब तनी साइड में। हमें लगा था फंस जाएगी। देखा राजा, अब ये दलदल से बचे के एक ही उपाय है। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत किया कर यार, सिर्फ एक्टिंग का पैसा मिलेगा, ओवर एक्टिंग का नहीं मिलेगा। टन के खड़ा रहे। हाँ। अब तो शादी कर ला। ई का बात करता रे। सही कहा तानी भाई। देखा कितना बड़ पैसा वाला हो खेलन, उन्हन के एगो ना दू दू बीबी होली, दू दू। और अब तू 7 करोड़ के मालिक हो गए बाड़ा। हाँ, करत रहा दोनों के मेंटेन, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, घर वाली बाहर वाली, बुझला। मतलब एगो गाँव है, एगो मुंबई। तो हम हाँ कह दी। हाँ? कौन राजा बाबू शादी खातिर तैयार बाड़न? हाँ तैयार। हाँ हो गई लन बहना, राजा शादी के लिए तैयार है बहना। लाइए, बस हो गया। थैंक यू जीजू। हाँ लीजिए, हो गया। बधाई हो, आप हार पहनाइए। हाँ हाँ हाँ, ओके। डॉली, नमस्कार, हम बात कर रहे हैं राजकुमार उस राजा बाबू के गांव से, जो कि हाल फिलहाल में मैं बनूंगा करोड़पति के 7 करोड़ के विजेता बने हैं और उस वजह से चर्चा में आए हैं। उनके गांव वाले जोर शोर से उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं लोग उनके खुशी में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो आइए, हम लगातार इस खबर में बने हुए हैं कैमरामैन अजय यादव के साथ लगी तोमर आजकल। अरे बाबूजी, राजा तो ये बस में ना आयल। अरे का भइल ते ई बस से ना आयल ता, पिछला बस से आवत होगी। बजावा ए बजावा। इंतजार करते करते सभी लोग थक गए हैं। एक लास्ट बस आने वाली है, लेकिन पता नहीं उसमें भी राजा बाबू आएंगे कि नहीं। वो देखिए, वो बस आ रही है। अरे बजा, आप देख रहे हैं कि गांव के सभी लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस बस में राजा बाबू जरूर होंगे। ये देखिए, लगता है राजा बाबू आ गए। बाबू जी, राजा तो ना आई। सर, आखिरी बस निकल गई और इसमें भी राजा बाबू नहीं आए। आपको कैसा लग रहा है सर? सर, क्या इसमें कोई साजिश है? क्या कहेंगे आप? अब आप क्या करेंगे सर, जवाब तो दीजिए। कहीं राजा बाबू 7 करोड़ पाके बदल तो नहीं गए? अरे चुप रहा तू लोग, जा भाग यहाँ से। शाम हो गई, अभी तक तो राजा ना आयल। अरे है तो हवा सोचत पानी, तू ससुरा कहा बा। अरे पानी बिच नालहर मारे जवानी, पानी बिच नालहर मारे जवानी, पानी बिच ना। डॉली, कर लो ना, मक्खी घुस जाएगी। अब आगे का क्या इरादा है?
बहुत नीक इरादा बा। डार्लिंग, मैं इस इरादे की नहीं, 7 करोड़ को 700 करोड़ बनाने का क्या इरादा है? 700 करोड़! मैं किस मर्ज की दवा हूँ जीजू? मैंने सारी पढ़ाई लिखाई इसीलिए तो की है। मेरे पास बिजनेस का एक बहुत बड़ा आइडिया है, जिससे 1 साल में आपके 7 करोड़ 14 करोड़ हो जाएंगे, और 2 साल में 14 करोड़ का 28 करोड़, और 3 साल में ये 56 करोड़, और फिर 4 साल में 112 करोड़। यानी कि 4 साल में जीजू आप ना करोड़पति से, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति, खरबपति शंखपति, शंखपति से शंखपति। यस यू नो, अरे बाप रे बाप, अरे इतना पैसा हम देख ले तब तो हम पगला जाए। अब डार्लिंग, पागल तो दुनिया हो जाएगी जब यादव ग्रुप ऑफ कंपनीज कंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज से 2 कदम आगे हो जाएगी। और जानते हैं जीजू, कंबानी जी भी 5वीं फेल थे। अरे बाप रे बाप, डार्लिंग अपने भाई की मने करा, अब आगे कुछ मत बताओ, हम के चक्कर आवा था, अब हम गिर जाएंगे। नो 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 जीजू, जीजू जीजू गिरने का टाइम नहीं है, नोट गिनने का टाइम है। तो मैं इस प्रोजेक्ट पे कल से काम शुरू कर देता हूँ। हाँ तो फाइनल, हाँ फाइनल। डार्लिंग, तुम्हारे अकाउंट में 7 करोड़ तो आ ही गए होंगे। लाओ चेकबुक हमको दे दो, चेकबुक। जा, हाँ? जा? क्या हुआ? What happened? अरे चेकबुक तो हम लेबे ना कहीं, अरे कबो जरूरत है ना पड़ल। अबे अबे अच्छा कोई बात नहीं, कल हम सब लोग तुम्हारे गांव चले जाएंगे। ना, अरे चेकबुक लेने। ओ अब हमार मतलब तू लोग कहाँ परेशान हो बा, हम जाके लिए आए ना। अभी तो हम बाथरूम जाता नहीं, बहुत जोर से लागल बा। गो, गो। वाह भैया, क्या घुमाया इस देहाती गवार को। मैंने कहता था बहना कि लकी का दिमाग लकी के लक से भी 2 कदम आगे चलता है। इस बंदर को बस इसी तरह गुलाटी खिलाते रहना बहना, देखना मैं इसको ऐसा घुमाऊंगा बहना, ऐसा घुमाऊंगा बहना, ऐसा घुमाऊंगा बहना। अरे कोई बचाओ भैया को, तैरना नहीं आता। हमरा हिसाब से 2,16,30,000 सरकारी खाता में चल गई। चल गए? ओ बाबा, हमके कोनो टैक्स वैक्स नहीं देवे के? हाँ। अरे राजा बाबू, नियम कानून सबके माने के पड़ेला। एक बात और, जब तक मैं बनूंगा करोड़पति के टीडीएस सर्टिफिकेट और आपके पैन कार्ड, जब तक हमरा बैंक में जमा ना हुई तब तक हम पैसा इशू ना कर सकेला। यार राजा, यहाँ तक खड़े खड़े 2,16,30,000 के चुना लाग गई भाई, चले यहाँ से जल्दी चला, न तो सरकार और ही कोनो नियम कानून लगा दी और हमनी के हाथ में 1 को अधेला ना बाकी। अरे हाँ यार, हाँ ये कौन नियम है? आओ, पैसा हमारा और ले ली सरकार। हाँ ये है चेकबुक दाई हमारा। चुरकी मूछ, वाह बेटा, मूछ मुड़ा के बाबूजी का मार देला, सरादो कर लिया बड़ा की बाकी बा। ना भैया, चोरी चुपके बैंक आयल बड़ा। चला तुहार स्वागत करे खातिर बाबूजी बाहर खड़े बानी। बाबूजी, अरे तू कहां जाता रह गो ना, चला जा भैया, चला भाई। अरे ये मुछिया चुरकिया रे, माई देवर जी बम्बैया हो गए नहीं आ रहा हुआ मुछिया चुरकिया में उलझल। चुप रहा तू, लोग पहले ही बतावा तुम्हारे मोबाइल कहां बा। मोबाइल, मोबाइल तो वही गिलास में गिर गई जे गिलास में हम पियत रहनी। कहां पियत रही? बाबूजी अब ठंडा ठंडा, पूरा बात बोलन कर। अच्छा चुप, पहले ही बतावा तू लोग कि 4 दिन से कहाँ रहले और क्या करत रहले। हम बम्बई में बाबूजी। बाबूजी जवन करोड़पति वाला रहे कुल ना, अब जबरी रोक लेने पार्टी। चुप, ये बतावा तू लोग के बैग में सीधे क्या करे गई रहला। अरे माई, वो देखे गई रहनी है कि खतवा में पैसा आई लेकिन ना। बाकी 2,16,30,000 के चूना लग गए, पता ना सरकार काट लेलस कोने टैक्स में। लेकिन बाबूजी, मैनेजर जी बतावत रहले हैं एगो और लफड़ा बा। ऊ का बेटा, जब ले टीडीएस सर्टिफिकेट ना मिली और ऊ का रे पैन कार्ड जो लेना बनी, तब ले 1 रुपया ना उतरी। चोपरा, पैन कार्ड हम बनवा देता नहीं, ठीक? अरे पैन कार्ड तो तू बनवा देबा, लेकिन माई ऊ टीडीएस सर्टिफिकेटवा तो मुंबई ना मिली, तो टीडीएस सर्टिफिकेटवा हमनी के मुंबई से लेके आवा। अब कहे बम्बई में जाके तोरा जरूरत नहीं, अभी हमें रह के बा तोरा। मुंबई
सही गए तो बड़ा जल्दी ख्याल पड़ गल तोरा के। बाकी एगो बात बताओ हमरा के, जौना लड़की का गोड़े घर में पड़ला से तोर सूतल किस्मत जाग गई, और जगरा पूर्ण प्रताप से ते करोड़पति बन गई ले, ओकरा ऊपर का बीता था ये तोरा के ख्याल नहीं के पड़त है? कबो नजर उठा के देखला ओकरा के है? अरे यो कुल हमही के बतावे के परी, गोबर भरल है दिमाग में तोरा, जो भीतर जो जो। अरे भाभी, अरे सुना हमार बात, सुना बतावे के बा कुसुम के बतावा। अरे ई का करत, आप थक गए हो खब, पैर दबा देता दिखाए कर, कोनो जरूरत नहीं के। जरूरत कैसे नहीं खे जी, पति के सेवा कैल एगो पत्नी के धर्म हो खेला। देखा, हमरा से दूर रहिया और हमरा करीब आवे के कोशिश मत करिया। हमरा से दूर रहिया और हमरा करीब आवे के कोशिश मत करिया। हमरा से दूर रहिया और हमरा करीब आवे के कोशिश मत करिया। पहले हमार भी आओ करे बात तो। राजा 7 crore नहीं की भाग सकत भाई, भाग देखा नहीं कितना भाग। सुने, अरे डबड़ू, ये कुत्ते के जैसे हापन कहाँ भागल जात मरा? आए डॉक्टर, डॉक्टर कहना कि भागला से सेहत ठीक रहले। अरे राजा, ये का बात बा भाई, ये ले भाग रहल बा, तू ये ले भाग रहल बा रे, रोज योगा करी ले ना डॉक्टर गन भाऊजी। हाँ, मिठाई इनके खियावे के रहला करोड़पति के, तो खाते नहीं। अच्छा अच्छा, अरे तेरे भागे को कौन बात बा? अरे चल ला ला, आवा खा ला, शर्मात काहे बड़ा, आवा मिठाई खा ला, पहन ला, अबा मतलब खा ला, अबलू आवा गोड़ पर लिए जैसे चाहे। अरे तू ना जंग अपने सबूत के, आवा था आवा था, छुपल बकान चपड़ा एकरा के ना मालूम ना हमरा के, झूठ बोलवे। अरे पत्रकार, फोन बाद में उठाइए, बता बच गइल रे। बोल ना, 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 ना मालूम ना, झूठ बोलवे कसम से, ना मालूम, गोलू कसम खाते ही भैया, बता नहीं तो तोनिए की लती आई। ए चाची, मनागिन नागिन, अरे बकान चपड़ा, बेवफा से प्यार हो गया, बच गई नहीं भैया। भाग कहाँ भाग में? कुसुम, देवर जी तो से कुछ काला हनका? यह बात के तो दुख बा दीदी, वो हमसे कुछ कहबे ना करेले,
अच्छा अब समझ में आई, पागल कहीं का। देखा देवर जी, नया सोच के नया जमाने के हवन। आ तू उनका सामने ऐसे 5 मीटर का साड़ी लपेट के रहबू तो कैसे कुछ कही है? तो के उनका सामने अपन चलवाता देखा वही के पड़ी। हाँ समझ लू, हाँ समझ लू कहा। अबे गोदना, आज डाली के बहुत याद आवता यार। अबे धीरा बोला, अगर कहीं बाबूजी के बात के भनक लग गई तो तहार खटिया खड़ी अब बिस्तर गोल हो जाई। अबे चुप कर, जब बोली तब कुछ उल्टे बोली। अबे गोदना, अबे भाग रहा। लेकिन हमने भागत का है बानी? अरे भाई डॉली वहाँ आ गई यार। का डॉली? देखो भाई मजाक मत कर यार। अरे यार मजाक नहीं की कर, जोन बॉस गई ला ना, मैं अब अपना आग से देख ली। अरे गजब हो गई, अब का यार। हे भगवान, ए गोदन तू कतरा लेने के तोर माई बाप चार धाम के यात्रा पे गई बने। हाँ तो का है? अपने घर की चाबी निकाल। चाबी? अबे यार चाबी निकाल जल्दी, शॉर्ट कट मार के जल्दी बस स्टैंड पे जो बस स्टैंड। और डाली के उसे कुछ पूछो करा पहले होके लेके हमरा घर, यानी तोरा घर, तोरा घर यानी हमरा घर, जल्दी लेके घर। तो हर घर तो हर हमरा तो कुछ नहीं के समझ मत भाई। चाबी दे जल्दी जो। हां ठीक है, जल्दी लेके आ। रुक 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 रुक। अब आ आ आ आ जल्दी आ। Yes. ये हमार घर, अब मतलब राजा के घर। चलो 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 चलो। दरवाजा बंद करो भैया, आ वालों। क्या जी, तुम तो अपने वाइफ को भूल ही गए हो। जीजू, पहले दिया आशा, बाद में दिया झांसा। अरे ना ना, ऐसा कोनो बात ना। गुदना से पूछा, आज याद करता नहीं है ना। तो फिर मुंबई क्यों नहीं आए? देखो तुम्हारी याद में मैं आधी हो गई हूँ। उका ना, हम तावाई वाला रहनी। लेकिन पैसा ना मिलल ना, पैसा ना मिलल। अच्छा जबले टीडीएस सर्टिफिकेट ना मिली और उका कल जाला रे पेन 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 कार्ड, वो दोनों मिली तब पैसा मिली। और जैसे पैसा मिले हम मुंबई आ जाए। तू लोग चलो लोग। जीजू तब तक हम लोग भी यहाँ रह कर इंतजार करते हैं। यस। अब अरे ना ना ना, ये गांव देहात है ना, तो यहाँ बहुत धूल माटी उड़ेला। हाँ तो तू लोग यहाँ ना रहे पैबा लोग। अब पैसा मिली तो हम लेके आ जाए। तू लोग यहाँ रह के क्या कर बोलो? तू लोग चलो सही बात, सही बात। मुंबई वापस चला, चल ले जो ले जो। जीजू, जब आप यहाँ रह सकते हो जीजू, तब हमारी बहना क्यों नहीं रह सकती है? और जब हमारी बहना रह सकती है तो ये लकी क्यों नहीं रह सकता? जब लकी रह सकता है तो ये जैकी क्यों नहीं रह सकता? बेडरूम कहाँ है? बेडरूम तुम मेरे आने की खुशी में इतने पागल हो गए हो कि तुम्हें ये भी याद नहीं कि बाथरूम कहाँ है, बेडरूम कहाँ है। बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। आई भाभी जी, हम बाथरूम बेडरूम बेडरूम दिखा दें। डार्लिंग मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ बनाओ ना। कुछ बनाओ ना। हाँ। भाभी जी आओ ना। हाँ। आओ, आओ, ना। आओ, आओ, आओ। जीजू बहना को ना पालक पनीर बहुत पसंद है। अभी भक्त तो पालक है। थैंक यू जीजू। पालक पनीर पसंद, आज मुसीबत के याद के लिए आज आ गए। हे भगवान। दुल्हन तू खाना का है नहीं खेलू बहन? अरे घुमंतुआ के चक्कर में अपन खून काहे जरा उतरी बिटिया? सवेरे से सांच हो गई, ओकर कहीं पता चला है? अरे का भाई, का बताई कि का भाई, हम तो ओकरा से परेशान हो गल बानी जी। ई लेकी सवेरे से अन्न का दाना नहीं डलले मुंह में है, बाकी हो बहिया के शरीर में न तो डर बा न तो लाज बा। अरे जब से निकम्मा गोधरा के चक्कर में पड़ल बा, तब से ये दिन पे दिन बिगड़ते जा रहल बा। देखत बानी ससुर के नाती के कि कहवा बा, आज ओकर छठी के दूध याद करा दे। हां हाँ हाँ बन गई, ले आओ तन। राजा 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 राजा। बाऊजी बाऊजी बहुत गुस्सा में बाजी। का बाऊजी रे, यहाँ आ बतरन, यहाँ आ बतरन, तू जल्दी भाग ना तो सब कौन खुल जाए। अरे वहाँ कहाँ जाता था बाबूजी, होने से आ बतरन, तू इन्हें जा। ए भाई सब सामान लिए? हाँ हम सामान ले। अरे बाप रे, हे भगवान, ये दोस्ती के चक्कर में वो का करे पड़ी। चलो तरकारी बना दी। कहाँ रहले हरे? हम तुहरा के खोजत खोजत हरा रहल बाड़ी बहु। कब आइल है? ओ बाबूजी। अरे ससुर,
हम तो हर ब्याह ई खातिर कैली कि तू सुधर जाबे। अरे तू सुधरबे का, उल्टे तू और बिगड़ल जा रहल बड़े। एक बात कान खोल के सुन ले राजा, अगर तोहरे कारण हमरा बहू के कुछ भइल त तोहर हाथ गोर तोड़ के घर में बैठा दे। निकम्मा कही के दिमाग खराब करके रख देलस। अरे रमेश के भाई बिना मतलब डांटत रहे। पालक की भौजी ओ अरे आलू पालक की सब्जी, ई सब्जी तो राजा के बहुत पसंद बा, और लाई ला लेके आई। हाँ हाँ सब्जी सब्जी लाई ला ली आवा ना, इो खा ले। हाँ ले आवा। अरे तू यहाँ आके खाना खा रहा है, तू यहाँ आके खाना खा रहा बाड़ा है। वहाँ मुंबई वाली भौजी पूरे गांव में खरमंडल नांदे जात रहली है। हाँ हम उनका के बड़ मुश्किल से मना के अब बाहर से दरवाजा में कुंडी लगा के आईनी है। तू जल्दी करा नहीं तो सगरो खेला गड़बड़ हो जाए। हे भाई तनी जो न जाके संभाल भाई जो। हम कुछ ना कर सके नहीं, समझ ला। तू जाना तुहार काम जाने। हाँ हमरा के ऐसा लगा था कि तुहारी डबल ड्यूटी के चक्कर में एक दिन हमारा टट्टी निकल जाए। जल्दी आ। सुनना अब अभी ना खेल ही चल गिल देखा। और नौसा गुंडा मर गई लें झूलनी अतर दबा। गोदना के घर से रजवा चोरी छुपे काहे जाता? कुछ ता लफड़ा। 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93। गोधन 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 तो अपने घर पे होगा। तो ठीक है लेकिन तू लोग के बड़ा सुखा पंखी लगा हुआ। I am lucky and he is my friend Jackie. Yes. गोधन? अरे गोधन अपने घर पे होगा बताया ना। अरे पर ये गोधन का ही घर है। अरे क्या हुआ भैया? अरे ये क्या? क्या हुआ? रहुआ के? मैं राजा की पत्नी हूँ। हाँ। रहुआ राजा की बीबी है? तू क्या? ए दुल्हन। जी माँ जी। बड़की दुल्हन से कह दा कि तरकारी लेके आवा, हम काट देते हैं। ए घुघरू। जी मालिक। रमेश के भाई हम तेरी खेते में जात बड़ी। अच्छा जी आई। या, राउर ससुराल। अरे सोचत का बानी अपना घर बा। आई ना राउर रिश्तेदारन से मिलवा दिया मैं। अरे इला चचा यही बाड़े, ये बाड़े श्रद्धेय सम्माननीय राउर ससुर जी। ए भाई साहब इनसे मिली आदरणीय जेठ जी। अरे मातो जी बानी का आईला है राउर श्रद्धेय सासू माँ। अरे भौजी हो खड़ा बनी हाउजावन सरकारी लेके खड़ा है राउर जेठा नहीं। तू लेन कहां बड़ी हो? अबला सबसे खास रिश्तेदार राउर सौतन कुसुम देवी। कुसुम देवी है कुसुम देवी है कुसुम देवी है कुसुम देवी। अरे रुका 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 ला, इनकर परिचय तो हम आप लोगों से करवाइबे ना कहीं दी। तो सुनी ई है राजा बाबू के पत्नी डॉली देवी मुंबई वाली। ए चचा अरे राजा बाबू कहाँ बड़े हो? बाबू रख ले दुगो मेहरारू मुंबई में शादी कैला सरऊ तू पी के दारू पक
चिक पकड़ा जा बाबू, रखला दू को मेहरारू, मुंबई में शादी कैला, ले अब संवार कमीना। जीजू! सरपंच जी, ई राजा जात बिरादरी गांव समाज के मुंह पे कालिक पोत के ऐसन घिनौना काम कैले बा कि शरम भी शरम के मारे शर्मिंदा हो जाए। सबसे पहले ई गांव के भोली भाली लड़की कुसुम से ब्याह कैलस, ओकरे साथ जिए मर के कसम खैलस, हर सुख दुख में ओकर साथ देवे के वादा कैलस, और ओकरे बाद यहाँ देखी इस शहर के भोली भाली लड़की के फसौलस, झूठा प्यार के झांसा देके अपना हवस के शिकार बनौलस। ई वासना का पुजारी है राजा, एका सिर्फ एक का काम है भोली भाली लेकिन के अपना प्यार के जाल में फंसा के उनका जिंदगी बर्बाद कई। अरे ई राजा ई समाज के नाम पे कलंक है, ऐसन व्यभिचारी और दुराचारी समाज खातिर घातक होने, एकरा चलते सरपंच जी हमरे जैसन सीधा साधा नौजवान का भविष्य खतरे में बा। आप लोगन से विनती बा महाराज कि ये राजा के सिर्फ जात बिरादरी से ना, गांव समाज से मुँह करिया कह के कर निकाल दे जाओ। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है सरपंच जी, ये हमारा बेटा के फसावे के साजिश है। दीन दयाल जी, पंचायत के काम में दखल अंदाजी मत करी, का सही हो का गलत हो एकर फैसला पंचायत करी। डॉली तोहार राजा से का संबंध हो? राजा मेरी बहना का पति है। तू चुप रहा, ये पंचायत हो, सवाल जकरा से कल जला जवाब भी उहे देला। डॉली जवाब द। मैं राजा की पत्नी हूँ। एकर का सबूत हो कि तू राजा के पत्नी हो? चेक लगी, ये है सबूत, सबूत। राजा ये सब का सच बा? हाँ। डाली हमार पत्नी बड़ी। तो फिर ई के बा? इनका से हमार बिया भइल बा, लेकिन हमरा मर्जी के खिलाफ भइल बा। हम इनका के कबो अपन पत्नी नहीं की मनले, और ना ही कबो अपना पत्नी के दर्जा देले बने। हम अपने पत्नी के दर्जा सिर्फ डाली के देले बने। कुसुम, अब तोहार का कहना हो। ई सच बात बा सरपंच जी, ई आज ले हमरा के अपन पत्नी ना मन ले, लेकिन हमरा मन मंदिर में पति के रूप में यह समाइल बाड़े, यही से जो ना चीज में इनकर खुशी बा, वही चीज में हमरो खुशी भी बा। डॉली अब तू का चाहता रू? मैं राजा को हमेशा के लिए अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। दोनों पक्षों के बात सुनला के बाद पंचायत ए फैसला पर पहुंचल बा कि दीन दयाल के छोटका बेटा राजा दूगो शादी कह के अपराध कैले बा, बाकी पति के छत्र छाया से वंचित रहला के स्थिति में राजा के संपूर्ण चल और अचल संपत्ति मुआवजा के तौर पर कुसुम के दिहल जाता। जौना में राजा के जीतल 7 करोड़ रुपया भी शामिल हो। चूंकि राजा व डॉली साथ साथ पति पत्नी के रूप में रहल चाहता रे, ये खातिर राजा डॉली के सुपुर्द कइल जाता। अब डॉली राजा के लेके कहीं भी जाए ले स्वतंत्र बाड़ी। रुके रुके,
बहना बहना सुनो तो सही। भैया ये तो सारा पाशा ही उल्टा पड़ गया। सारी दौलत ले गई वो देहाती कुसुम और मेरे हिस्से में आया मिट्टी का ढेर जाहिल गंवर राजा। अब उसका क्या मैं अचार डालूं? बहना राजा साहिल गंवर जरूर है पर वो मिट्टी का ढेर नहीं है। अरे वो तो हमारे लिए बेरर चेक है बहना, बेरर चेक। एक बार अकाउंट में अमाउंट शिफ्ट होने की देरी है फिर देखना उसे हाथों हाथ में जाकर कैश कर लूंगा। नहीं भैया मैं अभी जा रही हूँ और कह रही हूँ कि कुसुम को राजा दे दो और मुझे पैसे। बहना अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना वरना ये राजा नाम का बोझ जिंदगी भर सर पे ढोना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो बहना, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जरूर, क्योंकि लकी का लक लकी के लक से भी दो कदम आगे चलता है बहना। लकी ये सब छोड़ो हा? पहले ये चल के देखो वो ओल्ड लेडी जिंदा है या मर गई। मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। आओ बहना चलो। एक्सक्यूज मी। आओ डॉक्टर साहब माइके का भाई। अब माई की तबीयत कैसन बा? अब का हाल बा डॉक्टर साहब? देखा लोग उनकरा के बहुत बड़ा सदमा लागल है और राजा खास तौर पे तू ई बात के ध्यान में जरूर रखिया कि उनका दोबारा सदमा ना पहुंचे वरना उनकर जान भी जा सकेला। सरपंच जी हम पंचायत के फैसला के सम्मान करत बानी, बाकी हमरा पंच लोगन से एगो विनती बा, जबले राजा की माई पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तबले राजा के रोक ली न तो बेटा के दूर जाए के गम में सदमा बर्दाश्त न कर पाई मर जाए। दीन दयाल जी सब पंचन के ही राय है कि जबले राजा के माई पूरी तरह ठीक नहीं हो जात तब तक राजा के एजे रहे के पड़ी। लेकिन हम बहना पर तब तक मैं कहाँ रहूंगी? इहो कोनो पूछे वाली बात है? अरे जहाँ राजा रही है वहाँ तू रह सकेलू। का दीन दयाल जी मंजूर बा ना? ठीक बा तो आई चली कागजी कार्रवाई पूरी कर ली। जा चले पंच लोग माई के लेके तू घर आ जाइया। ठीक बाबू जी। पक चिक पक राजा बाबू चल गई लो कर जादू। जे भैल से भैल अब गुस्सा थूक दी और ये पीट ठंडा। एक बात बताओ हुँ? अगर ते हमारा जगह रहते तो का करते? लोग के कमरा दिखा दो जी। डॉली अबे सुना नहीं मालिक ने कहा दो कमरा दिखाने के लिए? हाँ कहले तो हूँ मैं। तो सोच क्या रहा है अबे? मालिक करवा लो के वास्ते ये दोनों कमरा दिखाओ कहले। हाँ बाकी हम सोचता नहीं रवा लो के वास्ते ये दोनों कमरा ठीक ना हो। अच्छा और रवा लोग के तो बड़का बड़का होटल में रहे कर थो ना। तो अगर हम से बड़का वाला रूम दिखाई ता ब्रदर नौकर तो मालिक से भी ज्यादा समझदार लगता है। हाँ यार ए सुन ऐसी कोई जगह है क्या यहाँ पे कहीं ओकरो से ज्यादा बढ़िया? चल खाना भी हाथ से खा के जरूरत नहीं के देख जाए मुँह में और हाँ पानी भी हाथ से निकाल के पिए के जरूरत नहीं के डायरेक्ट जाए मुँह में और इतने ना हवाओं मुतब खाती कहीं जाए के जरूरत नहीं के वहाँ हवा वहाँ मुटा लैट्रिन बाथरूम अटैच। अरे साहब मजा वाला बात अभी बताइबो ना कहीं नहीं। अरे वाह बताओ बताओ। हाँ, खुद से रोल के नहा के ना पड़ी खसखस मसाज के साथ नहा जाई। ऐसी जगह तो मुंबई में भी नहीं है। नहीं लेकिन वो जगह है किधर? यू जगह यू रास्कल
दो कौड़ी का नौकर हमसे मजाक करता है, मैं तुझे भैया ये गांव के लोग कितने बदतमीज होते हैं। यस, चलो। हाय हो हमार लाल, तुगे छोड़ के कहीं न जाए भाई, हम कहीं न जाए, बस तू जल्दी से ठीक हो जा, तू चिंता मत करा, हम कहीं न जाए। राजा भैया उजन समान गोधन गड़े पड़ल बा, तो क्यों लो मंगवले हलो? मई हम अभी आवत नहीं, चल। माई देखा लोगन, देखा नहीं ना, वो चकचनहरी की एक बुलावा पर दो मिलावत पहुंच गल चुहार कहीं के। अरे बिटिया बिटिया रोवा जीन, अरे तू का बचा था रू, हम व्यवहार बनी। अरे ना रे पागल, हम एकदम ठीक बनी, देख हमरा के कुछ नहीं के भइल। जीन रो बिटिया ना रोए के, हमरा कुछ नहीं के भइल। वो का बचा दिया वह गुना टंगी बाज भी है, अब ओकर असली पाला पड़ल बा नौटंकी बात से। देखे उ डाल डाल चली तो हम पात पात चलन, देखिए हमरे बेटा की कैसे लेके जाले यहाँ से। तू तनखो चिंता मत कर बिटिया। बिटिया जब वो यहाँ कुछ दिन रही ना हमार बेटा राजा, तो ओकरा खुद है समझ में आ जाए कि का सही है और का गलत, समझाई ना करा कीजिए। अरे तू चिंता जिन कर बेटी। हाँ। हमरा राजा के हमली से छीन ना पाए। हाँ। वो जो ना वक्त के इंतजार कर रहल बानी ना, उहे वक्त के इंतजार हमहू कर रहल बानी। इंतजार इंतजार आखिर कब तक? मैं इस घटिया कमरे में नहीं रह सकती। बहना ओ, बहना जब तक पैन कार्ड और टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं आ जाता तब तक हमें यही रहना पड़ेगा बहना। अकाउंट में एक बार अमाउंट शिफ्ट हो जाए बहना, फिर देखना हम उनसे सौदा करेंगे और कहेंगे राजा बाबू लो और पैसे हमें दे दो, फिर देखना बहना जिंदगी भर ऐश करोगी बहना, ऐश ही ऐश। खूब मन लगा के पड़ गया। हेलो जीजू। हेलो ए घुगरू, एगो बोरा भी छाना। बहु जी बाबूजी, ये कुकरन के भी खाना देना जी। हेलो आई एम नॉट कुकुर, आई एम लकी एंड ही इज जैकी। यस हमने क्या खास मेहमान के कुकुरे कहा जाला। ओके वेरी नाइस, देन आई एम लकी कुकुर, ही इज जैकी कुकुर। बैठ कुकुर। ओके थैंक यू। ओके बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना दो। हमने के यहाँ आदमी का खाना खाइला के बाद औरत खाना खाली सब पहले ना। What rubbish! भूख किसी का इंतजार नहीं करती। ए लड़की। Excuse me, मैं लड़की नहीं आपकी बहू हूँ। जोर जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करा। हाँ। मेहमान बारू तब मेहमान बन के रह। मैंने सुना है गांव में पति का झूठा खाना भी एक रिवाज है। लीजिए खा लिया मैंने। मेहमान बारू देख कर बतबी ना कि तू जोर बदतमीजी करबू, वहाँ बर्दाश्त कर ले। ए बहू जी बाबूजी, कल से ये लोग के खाना ना बनी, ये लोग अपन खाना खुद बनाई और खुद खाई और साथ में ई होकलिए के साथ खाई। निकम्मा कहेंगे। हाँ हाँ बना लेंगे। हाँ। जैकी चलो कल से अपना हाथ जगन्नाथ। देख ले आँख खोल के एक उहा कि तोहरे सामने से तोरे मुंह के निवाला लेके चल गईल एगो हमार बहू हा, चुहा पर निवाला तोहरे सामने रख गईल। कब चोर कहिका खारी बाबू का। ए चुनमुन के माई कहाँ बाड़ू हो? हाँ हाँ आवत हैं। इन मरल लोग के भी ना खाना खेले के बाद एक के गो काम आवेला। फूलो की का पता कि हम औरतन के खाना खेले के बाद भी बहुत सारा काम होला। हाँ तो दीदी आप जाए ना, हम कुल बर्तन धो देता नहीं। सच में जाई का? हाँ दीदी जाए ना। वैसे भी आज हमरो मन ना बहुत कच्चा कच्चा सा लगा था जात भाने। हाँ कुसुम तू चिंता मत करा, तोहरो के एक दिन ना देवर जी ऐसे ही परेशान करिया। अरे आवता नहीं बाबा। Shit!
की जानत बाकी हमरा ला सरब बा। एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद अगर ऐसा भाई तो फिर सोच भी। चल रहे सब का रोल बा, दिखता नहीं है क्या? एक्सरसाइज कर रही हूँ। अरे तो यह छतवा पे जगह मिलेला और कहीं ना जगह रहा। क्यों, यहाँ पे क्या बुराई है? बुराई यहाँ ना, तोरे छोट छोट कपड़ा में बा। देखा कैसे लोग आँख फड़ फड़ के देखा था, ये गांव और शहर ना। अब सब लोग देख रहे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सुना डाली, अब तो के क्यों घूर घूर के देखी था हम, क्या अच्छा लगी? चला ना है? अरे कनवा, इतना लात खेले लेकिन सुधर लेना। अरे हमरा के छोड़, जबन तू मेहरारू के चक्कर में तू बिसाता रे ना आपन सोच। राजा। हाँ माई, तो के तो देख ले एक दिन। अरे महिला ओकरा के दे, ओकरा के। मैं ही जीतूंगी। डॉली। हाय जीजू। हाँ। जोकर। यप। खाना बनाओ ला, सब सामान लेकर रख दल बनी, जाके खाना बना ला लोगन। भैया जाओ। मुझे खाना कहाँ बनाने आता बहना? जैकी। मुझे भी नहीं आता लकी। अब राजा, तुम्हें तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। हाँ? जाओ ना प्लीज। हाँ ठीक बा ना, हम बना देता ना। खेलो लो। यस। ओके। क्या हो गया? आज इतवार है ना, तो आज हम खाना ना बना सकेला। चुनमुन जी, दादाजी अब तरी तू जा। ठीक बा दादाजी। हाँ डॉली आंटी, आपको खाना बनाने नहीं आता है ना? नहीं, मुझे खाना बनाना आता है। नहीं आता है? मुझे खाना बनाना आता है। तो फिर जाओ बना के दिखाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए और तुम सबके लिए खाना बना के दिखाती हूँ। डॉली देखा तो लोग डॉली। अरे चुनबुल, अब तोरे खातिर चॉकलेट लेवे चलब।
डॉली। कुछ गंदा लोग घर में आ गल बड़ा, ऐसे घर अपवित्र हो गल बा। तई भइला की गोबर से लिप पोत के पवित्र कर लिहल जा। हाँ दीदी, और ई गोबर तो दवाई के भी काम करेला ना, एकर महक से दिमाग के गंदा कीड़ा कुल मर जाला। कितनी घटिया सोच है तुम लोगों की, जानवर का लैट्रिन लेके हाथ से फैला के पूरा गंदा कर रहे हो घर। तुमसे तो बात करने में भी घिन आ रही है, जाहिल कहे की। बड़ी आई बताने वाली, जा जल्दी से जा। अब तुमके तो हम बता बताने कि गोबर का चीज हो खेला। चुनमोल जल्दी आवा। हाँ दीदी, लेकिन ये गोबर के छुई है कहाँ? गोबर तो जानवर के लैट्रिन होला। हाँ। गंदा हो खेला ना। हाँ। अरे यार, बहना, नो, बहना नो, बहना, नो बहना, पोटी बहना, पोटी, जानवर का टट्टी बहना, पोटी बहना, टट्टी, I mean, जानवर का टट्टी बहना, नो, क्या करूँ मैं, बहना, चुप, अबे चुप। सब ठीक है बहना। उस्ताद, अंग्रेजी दारू बा, नीट पिए तो कलेजा जल जाई। अरे कलेजा तो कब से जरत है गोलुआ, करेजा तो तब ठंडा हुई जब वो रजवा के मुंह पे कालिक पोताई। ये कौन बड़ा मुश्किल काम बा? एक आइडिया गल, अगर गड्ढा खन के पानी डाल के ओमे करिखा मिलाई के अगर तू रजवा को में ढकेल दा तो मुंह का पूरा शरीर करिया हो जाए। कागल हां डोलू उस्ताद जी। अरे कौन ना मनोज घड़ी में तोनी के अपन चेला बनौनी रे। तेरा मुंह रख। अबे करिखा का बात ना करता नहीं, हम बेइज्जती का बात करता नहीं। और ओकर बेइज्जती तब होई जब बात ओकर इज्जत पे आई। और ओकर इज्जत है शहर वाली। अब पता चली और रजवा के माला पहनने का अंजाम का होला। गोलुआ, इस हरिया वाले का खियावा न रे? मालूम नहीं के हम पता करो रे। Oh!
अरे बहुत जानबा हो। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे हाथ मत जोड़ा, आ जाओ आ जाओ। अरे तू तक कहाँ भागू हो, तू तो पूरी रास लीला बाकी हो। डाली हमरा घर के इज्जत पे और हमरा घर के इज्जत पे हाथ डाल के तू अपना मौत के दावत दे ले बार। आज तोड़ा के जिंदा ना छोड़। रमेश जी बाबूजी, ए ले आओ खेत पर मजदूर आवे वाला बा।
जाके सारा गेहूं कटवा लिया। बाबूजी हमरा के कृषि विभाग के ऑफिस जाए के बा, रउआ एक काम करी घुंघरू आके भेज दी। अरे घुंघरू बाजार गई बा तो रउआ चल जाए। अरे हमारा घुटना में इतना दर्द हो रहा बा, हम कैसे चल जाए? तब के जाए बाबूजी? अब हम कह जाने के जाए? बाबूजी हम चल जाए का। ठीक बा, अगर तोरा जाए के मन बा तू जा सकेला। ठीक बा जा तली। आ सुना, पूरा खेत कटवा के आई हा, एने उने घूमे मत चल जाई हा। हम हो जाता नहीं किसी भी बात। कुसुम, अरे ई गोबर गोइठा पागल तू छोड़ा, जा जल्दी से खेत पे। देवर जी खेत पर गेलन गेहूं कटवावे, तू गतान लेके जा जल्दी। देवर जी से अकेले में मिले के ऐसे बढ़िया मौका तो के ना मिली। उदसाहरी हरवे में भी आ, का पता खेत का हरियाली देख के देवर जी भी तो के हरा भरा कर दे। जा जल्दी। अरे जे तू काल सुन लू सब झूठ रहे। अच्छा ये बतावा, जब आज तक हम कुसुम के छुअबे ना कहनी तो वो माई कैसे बन जाए? सुना ना, I don't believe you। हम सही कहता नहीं, तोरा के भड़कावे खातिर पूरा घर मिलके नाटक कैले बाने सा। हम सही कहता नहीं, प्लीज हमार विश्वास करो ना। माई तरकारी अच्छा बनल बा। यू जाहिल गवार नौटंकी, तू क्या समझती है? तेरे नाटक करने से राजा तेरा हो जाएगा। तुम उल्टी करोगी तो राजा के बच्चे की माँ बन जाओगी। तुम गांव की औरतें होती ऐसी हो, मुंह काला किसी और के साथ करती हो और बच्चे का बाप किसी और को बनाती हो। ए डोले, तू अपने जुबान पे लगाम दे, वरना। वरना क्या, क्या कर लोगे? अरे ते खड़ा वहां का करता रे। अरे जौना कोक से हम तोरा के जन्म देली, ये सारी बिगड़े वही कोक के गाड़ी देती है। हम गांव वालन के बच्चन कहती है रे, और तोरा के कुछ बुझाते देखे चुपचाप खड़ा बड़े पगला गल बड़े का रे। डाली अपन कहल वापस ला और माई से माफी मांगा। माफी माई फुट। यस, आओ दीनदयाल। दीनदयाल? अरे सब्धी जी। मत कह हमरा के समधी। तू हमार समधी ना, दुश्मन बड़ा दुश्मन। तू और तोहर बेटा हमरा बेटी के जिंदगी बर्बाद कर रहल बड़ा लोग। लेकिन याद रखा, हम तू लोगन के बर्बाद कर दे, फांसी पर चढ़ा दे पूरा खानदान के। बाबूजी, खबरदार, अगर एकरा आगे हमरा घर वालन के कुछ कहनी हो तो हमरा परिवार के खिलाफ एगो शब्द भी कहे के आपके कोनो अधिकार ना हो। लेकिन बेटी, ये लोग तोहरा साथे विश्वासघात के लेबा, और तोहारी पति अपन दूसर शादी कह के तोहार दुनिया उजाड़ रहल बा, और तू कहता हो कि हम चुप रहे? ये हमरे घर के आपसी मामला है बाबूजी, और हमन के आपसी मामला के बीच में आपके दखल अंदाजी देवे के कोनो जरूरत ना हो। बाकी कुसुम बेटी, हम कोनो गैर ना, तो हर बाबूजी हैं। हाँ बाबूजी, आप हमार बाबूजी हैं। लेकिन जे दिन आप हमार कन्यादान कर देनी, वही दिन से हम ही घर के बहू हो गए नी बाबूजी। हमारे सास ससुर हमके बहू ना अपन बेटी जैसन माने ले।
बाबूजी, हमार ई बाबूजी, आपके कबो आपके कमी ना महसूस होके देले। हमार जेठ जी हमेशा एगो बड़ भाई होके के फर्ज निभावलन। और जेठानी जी हमके आपन छोट बहन मानेली बाबूजी। अब रह गई बात पति के, तई जान ली बाबूजी, हम पिछला जन्म में जरूर बहुत नेक काम कईले हैं, यही से ई जन्म में हमके इनकरा जैसन पति मिले। वाह बेटी वाह, तुहार विचार सुन के हमार मन गदगद हो गई। भगवान तोहरा जैसन बेटी हर आदमी के दे। भगवान तोहरा के खुश रखे, सदा सुहागिन रखे, सदा सुहागिन रखे। जरूर हम पिछला जन्म में कोनो न कोनो अच्छा कर्म कैले होगा, यही से हमरा बहू के रूप में हमरा बेटी मिल गई। कुसुम हमरा समझ में नहीं खेवत कि हम तो हर शुक्रिया कैसे अदा करी। आप ऐसन काहे सोचता नहीं? कैसे ना सोची, जौना घर के मान प्रतिष्ठा की रक्षा हमके करे के चाहिए, ओकरा के हम खुदे नीलाम कदले बनी, और आज तू हमरा घर के प्रतिष्ठा के बचौलू। अमृत समझे में नहीं गयावत कि हम कहां जाके मुंह छुपा। ऐसन मत कहीं जी, हम कोनो एहसान ना कहीं नहीं, हम ये घर के बहू हैं, और बहू रहला के नाते खाली अपन कर्तव्य के निर्वाह करनी हो बस, और कुछ ना। काश हम अपने कर्तव्य के निर्वाह कर पाती। बधाई हो देवरानी जी, बधाई हो। कम से कम देवर जी के अपन गलती का एहसास तो भाई। खाली एहसास कैला से का होई दीदी, हम तो आज भी उनके खातिर पराये बानी। पागल कहीं के, जब सावित्री अपना पति का प्राण यमराज से छीन के लेके आ सकेली, तई सहरी का औकात जे तोरा पति के तोह से छीन सके। अरे हाँ, कल ना तीज का त्योहार है, तू खूब मन से भोले बाबा के मनैया, उ तोहार सुहाग तोहरा के जरूर लौटा दी हन। अब चला हजरता, हाँ? जा तैयारी करा, जा। डाली, माई से माफी मांगा, माई से माफी मांगा। सिस्टर, 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 ओपन द डोर सिस्टर। क्यों हंस रहे हो? अरे तुम सुनोगी तो तुम भी हंसोगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे राजा को तुमसे छीनने के लिए वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग। इन बेवकूफों को ये भी नहीं मालूम कि तुमको राजा नहीं सिर्फ मनी चाहिए, मन।
अरे गोदन भैया, हाँ भाभी, कैसा तबीयत बा आपका? ठीक 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 ठीक, कहाँ कट ले रहा था? अरे कुछ ना, सब ठीक। अरे माई, हम ठीक बनी, ठीक तो बनी बेटा, सब ठीक बा भैया। अरे गोधन, कैसा बा तोहर? अरे कोनो बात नहीं के बाबूजी, सुई दे दे ले बा, एकदम ठीक हो जाए। कोनो हेरा बेस, एक रखे उठावा आले, चल खटिया पर रखा। अरे नाना बाबूजी, अरे चुप, जब तक तोहरे भाई बाबूजी चारों धाम से ना आ जाए हन, तब ले तू हेरा। अरे हजामत करके सामान तू घर में रह गइल बा। अरे अरे चल चल, ले चल चल। अरे भाभी, खाना निकाला ना, बहुत जोर से भूख लगल बा। रउआ के कुछ होश खियाल बा? का भाई? कुसुम अबही ले आपन व्रत निके तोड़ ले, ओही तरह भूखल पियासल पड़ल बिया। का है? जैसे कि रउआ के कुछ पते नहीं खे कि जब ले एगो तीज का सुहागन अपन पति का आशीर्वाद ना ले ले, तो ले व्रत ना तोड़े ले। लेकिन रउआ के का फर्क पड़े वाला बा? वो खाओ पियो चाहे ना खाओ पियो, जिए चाहे मर जाए, रवा के वो देवता माने ले। लेकिन रवा देवता ना, पत्थर है पत्थर। लकी भैया, लकी भैया, अरे अब आ गए, अब जल्दी अंदर आइए ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है, प्लीज जल्दी आइए। कुसुम, सबका ड्रामा होता हाँ? का जब पंचायत में एक बार फैसला हो गई तई खाना पीना छोड़ के का साबित कर जा तारू? ये सब खाना पीना छोड़ला से कुछ होके वाला नहीं के। अब चल जो, खाए के बाद तो खो, नहीं तो मत खो। टका 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 टका, इश्क हुआ कैसे हुआ जैसे हुआ अच्छा हुआ ना मैं जानू। दादाजी, ए राजा, इला इका बाबूजी, तोरे चेकबुक और ई तुहा टीडीएस सर्टिफिकेट और पैन कार्ड। अब खरा खरा मौका देखा तुम्हारा, जा बैंक से सारा पैसा निकाल कर लिया हुआ आ, सीधे बहू के हाथ में देना। और हाँ, ओकरा बात तू कही चल जा, कौनो बात का चिंता नहीं की। और हाँ, हमरा कहे से तू इतना दिन रुक गईला, ओकरे खातिर धन्यवाद बाबूजी। वैसे भी देवर जी, रउआ के तो हीरोइन जैसन बहराउ चाहत रहल ना, देखी भगवान राउत सुन लेलन और रउआ के तो हीरोइन दे देलन। हाँ बेटा, हम हो बे एकदम ठीक बानी, डॉक्टर कहना है कि कोनो दिक्कत ना है, है? अब तू बेफिक्र होके जा सकेला। बाबूजी, बाबूजी हमसे गलती हो गई बाबूजी, हम कहीं ना जाए बाबूजी, उनके माफ कर दे। तू का समझेला कि तोहरा से प्यार करेली? का बोला? अरे उधर तोरा पैसा से प्यार करेली। सुना, जा पूरा पैसा निकाल के ओकरे हाथ में दे दा, फिर देखा पैसे के कमाल। हाँ जा। हाँ बाबूजी। जैकी, यस, चलो। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था।
था बेकरार, वो घड़ी आएगी आएगी बहना, हटका राजा को दे जाना है पैसा, लेके यहाँ से निकल जाना है। खुशखबरी है बहना, राजा को कुसुम से प्यार हो गया है। अब पैसा तुम्हारे पास खुद ब खुद चलकर कदमों में आने वाला है बहना। नहीं भैया, मुझे पैसा नहीं, राजा चाहिए। ये क्या बोल रही हो बहना, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मुझे राजा से प्यार हो गया है। क्या? अगर दौलत रहेगी बहना तो ऐसे सैकड़ों राजा तुम्हारे कदमों में होंगे। सात करोड़? हाँ। हमला! जीजू, जीजू। अरे लकी, तू यहाँ कैसे? जीजू, आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की है जीजू कि हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना। मतलब? मतलब ये जीजू कि ये बैग हमको दे दे। जीजू, बैग दे वही खातिर ले आई मानी, तोरा के ना, तोरा बहन के दे। बहना ये बोझ नहीं उठा पाएगी जीजू, ये बैग हमको दे दो जीजू, दे दो जीजू। गुड जीजू। ये बनेगा करोड़पति। चल बे जैकी, मैं बनूंगा करोड़पति, मैं बनेगा करोड़पति। कहाँ भैया कहाँ? अरे इतना भारी बोझ लेके कहाँ भागत आ रहा है? ए डोलू गोलू, अरे राजा बाबू का तनी बोझ हल्का करा सन रे। जा साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना साथी। लकी का लक लकी से भी दो कदम आगे चलता है राजा बाबू, समझे क्या? वो बैग हमको दे दो राजा बाबू, अभी प्यार से समझा रहे हैं।
नहीं तो बहुत ही बुरा कर देंगे। गर्दन काटू क्या? अरे पगला गेल बड़ा का, करोड़ रुपया दी कुसुमिया खातिर? ये तो खुदा चाहता कि एकरा जिंदगी से दूर चल जाएगी। ना डमरू, पहले हम अंधा रानी, असली हीरा हमारे घर में रहे, और हम ये कागज के नोट के पीछे भागत रानी। लेकिन अब हमारा आँख खुल गेल बा, कुसुम के आगे ये रुपया के कोनो मोल नहीं के। लकी, हमरा धर्मपत्नी के छोड़ दे, इले भाई। हाँ राजा बाबू, हाँ आ जाओ, आ जाओ, हाँ दे दो राजा बाबू, हमको दे दो, हाँ हमको दे दो राजा बाबू। ठीक बानी राजा, ई बैग ओकरा के दे दा जे एकर मालकिन हा। सुनिए, इसकी मालकिन मैं नहीं कुसुम है, इसे ले जाकर कुसुम को दे दीजिए। हाँ, एकर मालकिन कुसुम बा, लेकिन एकर जरूरत तोरा के ज्यादा बा। बैग लाओ और जाए यहाँ से। मैं सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाए। राजा, सौदा भी पूरा नहीं के भाई, जा जाके जमीन जायदाद के कागज लेके आवा, तब जाके सौदा पूरा हुई। मैं राजा के लिए दुनिया की सारी दौलत को ठोकर मारती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ राजा चाहिए। चलिए राजा, हम तोरा साथ है ना जाए। क्यों? कहे से कि अब हम कुसुम से प्यार करी ले। रंग बदलने में तो आपने गिरगिट को भी मात दे दी। कल तक तो आप मुझसे प्यार करते थे, और आज आज आपको कुसुम से प्यार हो गया है। तब कहाँ गया था ये प्यार, जब भरी पंचायत में आपने मुझे अपने पत्नी होने का दर्जा दिया था। आप चुप क्यों हो गए? जवाब दीजिए, अभी सरपंच जी भी यही मौजूद है। कह दीजिए कि आप इनके फैसले को नहीं मानते राजा, हैं। राजा, पंचायत के फैसला तो के माने के पड़ी। सरपंच जी, दया करी। हमरे बेटा के बच जाई थी, नहीं तो हमारे बेरारू मर जाई। सरपंच जी, हमरे राजा के हमरा से दूर मत करी। दीनदयाल जी, हम मजबूर बने, पंचायत के फैसला अटल बा। राजा, कल सुबह तो के डॉली के संगे जाए के पड़ी, वरना अंजाम बुरा हो। चला पंच लो। सरपंच जी,
माफ कर दो। बहुत मजबूर बानी हम। भौजी मत लेके जाए, भौजी राजा के हमले से दूर मत लेके जाए, भौजी हम तो हर पाँव पर ताली भौजी। उठो बहन, मत रो, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। ये सच है कि मैं यहाँ पैसों के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं। मैं राजा से सच्चा प्यार करने लगी हूँ और अपने प्यार में स्वार्थी होके एक परिवार से उनके बेटे को छीनने जा रही थी, एक पत्नी से उसके पति को छीनने जा रही थी। राजा मैं आपके शरीर को ले जाके क्या करती, आप आत्मा और दिल से तो कुसुम के हो चुके हैं। मैं आप सबके गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, बाबूजी, नहीं बाबूजी, आज मुझे जी भर के रो लेने दीजिए। Ah!